अगर आप लोग मल्टीप्लेयर बैटल्स गेम खेलते होंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। तो क्या है वो प्रॉब्लम? सबसे पहला प्रॉब्लम, जब हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो हमारा फिंगर थोड़ा ऑयली हो जाता है, जिस कारण हमें ग्रिप नहीं मिल पाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमें बहुत सारे और स्विच मिल जाए, यानी कि बटन्स मिल जाए, जिससे कि मैं और अच्छा आउटपुट निकाल सकूं गेम में। तो इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे गेमिंग किट्स जो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये फिंगर स्लिप्स, और हमारे पास एक है ये ट्रिगर्स। ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे आप इससे गेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे आप अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर कि ये कैसा वर्क करता है। तो आपको फुल डेमो देखने को मिलेगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आपको आरएमपी यूरो गेम्स की तरफ से आने वाला फिंगर स्लिप्स, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच रेजिस्टेंस। ये आपको स्विच रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, इसलिए इसे डिजाइन किया गया ताकि आपका ऑयल जो है या फिर आपका स्विच जो है आपके फिंगर से निकलता है वो आपके स्क्रीन पर ना टच हो और आप अच्छे से प्ले कर पाएं अपने गेम को। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया हाई क्वालिटी फाइबर कॉटन। तो इसे तो अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी इसकी क्वालिटी देखने को मिलती है। पीछे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग इसे ओपन ही कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह के पैकेजिंग में ये देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है अपना फिंगर स्लिप्स। तो इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी मुझे देखने को मिली। तो ये रहा हमारा फिंगर स्लिप्स, तो इसे भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये देखने को मिलता है। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जैसा कि इसके बॉक्स पे मेंशन किया गया था उसी तरह इसकी क्वालिटी भी आपको देखने को मिलती है। तो मैंने अपने इस दोनों इंडेक्स फिंगर में इसे पहना है, लेकिन आप इसे किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं। और ये पहनते समय आपको बहुत ही कंफर्ट देता है, और इसे पहनने के बाद भी आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है। तो आप किसी भी साइज़ के फिंगर में इसे पहन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिंगर स्लिप्स, अब हम लोग इसे साइड में रखते हैं और आते हैं अपने फिंगर ट्रिगर्स पे। तो ये है हमारे पास फिंगर ट्रिगर्स, ये भी आरएमपी यूरो गेम्स की तरफ से आने वाला एक फिंगर ट्रिगर्स है। तो इसे भी हम लोग अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा ये आपको देखने को मिलता है। इसके आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं क्या आपको इसमें देखने को मिलता है। ये एक बॉक्स के पैकेज में देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसे आप ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास हमारा फिंगर ट्रिगर्स। इस बॉक्स में हम लोग को दो ट्रिगर्स देखने को मिलती है, और कुछ यहाँ पे रबड़ के और कुछ यहाँ पे रबड़ के टिप्स। इसमें एक्स्ट्रा टिप्स इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स लगते हैं। तो जैसा कि आप ये वाला टिप्स देख सकते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है। रही बात इसकी क्वालिटी की, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे स्क्रू देखने को मिल जाता है, ताकि आप किसी भी अपने फ़ोन में इसे एडजस्ट कर पाएं, आराम से फिट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी आपको देखने को मिलता है। इस फिंगर ट्रिगर में आपको बहुत सारे रबर के टिप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपके फ़ोन को ज़्यादा डैमेज नहीं हो, आपके फ़ोन में ज़्यादा स्क्रैच नहीं लगे। बहुत सारे ऐसे ट्रिगर होते हैं जिसमें कि आपको टिप्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसमें बहुत ही अच्छा रबर का टिप्स प्रोवाइड किया गया, ताकि आपका स्मार्टफोन सेफ रहे। तो अब हम लोग इसे अपने स्मार्टफोन में फिट करके देखते हैं। मैंने इस स्मार्टफोन में इसे फिट किया, आप देख सकते हैं मैं इसके कवर के ऊपर से भी फिट किया, आराम से ये फिट हो गया। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इस दोनों किट का यूज़ करते हुए कुछ आपको गेम प्ले दिखलाता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने गेम प्ले इन्जॉय किया होगा। तो मैं आपको कुछ बातें भी बता दूं, जैसा कि आप लोगों ने गेम प्ले में देखा होगा ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रिस्पांस करता है, इसमें कोई भी डिले नहीं देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा क्विक रिस्पांस करता है। जब भी आप गेम खेलेंगे तो आपको ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है, या फिर आप क्लिक कर रहे हो और आपका शूट ना हो रहा हो। बहुत ही आसानी से आप स्कोप करके फायर कर सकते हैं और किल भी ले सकते हैं। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, रही बात गेम में जीतने की, गेम में विन होने की, तो ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है। ये आपको सिर्फ सपोर्ट करता है, मदद करता है, ये
नहीं कि आपकी ये स्किल को डेवलप कर देगा, यानी कि ये आप लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप प्रो हो जाइएगा। अगर आप नॉर्मल खेलते हैं तो इसको यूज करने पे आप थोड़ा उससे बेहतर खेल सकते हैं। ये आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है कि आपको ज्यादा फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं और आपको सपोर्ट करता है, ये नहीं कि आपकी ये स्किल को डेवलप कर देता है। गेम खेलना एक स्किल है, अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छा खेल सकते हैं, इसके विदाउट भी अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो यही था इस गेमिंग किट के बारे में। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।